ये दलित आदिवासियों को ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये लोग सचिवालय में बैठे, ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि समाज में जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है वो मिटे। आप बताइए, पहली बार ऐसा हो रहा, बिना किसी परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण का मतलब क्या रहेंगे? इसका हम लोग जम करके विरोध करेंगे, किसी भी कीमत पर ये चलेगा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का सुर मिलने लगा है। देखिए, लेटरल एंट्री को लेकर अब घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो विरोध तो कर ही रहे थे, तेजस्वी यादव भी विरोध कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी के नेता भी विरोध कर रहे थे। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी विरोध कर रहे थे और जेडीयू के नेता भी विरोध करने लगे और अब चिराग पासवान भी विरोध कर दिए हैं। देखिए, सवाल सीधा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया है। देखिए, तेजस्वी यादव का साफ शब्दों में कहना है कि जो दलित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को नहीं चाहते हैं कि ये सचिवालय में बैठे, वो लोग चाहते हैं कि ये लोग शौचालय में बैठे। देखिए, जब सवाल तेजस्वी यादव से किया गया है तो किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं और केंद्र सरकार को खूब घेर रहे हैं। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। देखिए, खुले तौर पर किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हम आपको तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है उनका भी बयान सुनवाएंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में खूब बरस रहे हैं केंद्र सरकार पर। देखिए, चिराग पासवान भी विरोध कर दिए हैं। सवाल चिराग पासवान से भी पूछा गया था, हालांकि उन्होंने देखा किस तरीके से पहले बयान दिया था, पर अभी जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया कि चिराग पासवान भी विरोध कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जवाब दे रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये दलित आदिवासियों को ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये लोग सचिवालय में बैठे, ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। और लगातार जो है ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि समाज में जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है वो मिटे और मुख्य तौर पर जो गरीब बैक बेंचर है सोसाइटी में वो आ गया है। आप बताइए, पहली बार ऐसा हो रहा, बिना किसी परीक्षा के, बिना कोई आरक्षण का मतलब क्या रहेंगे? ये तो साफ तौर पर साबित हो गया कि ये भाजपा के लोग साथ में एनडीए के लोग आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं और कहीं भी आप देखिएगा इस तरह का काम नहीं हुआ। ये सरकार लगातार, हम लोग कई बार जो है आवाज़ उठाए, ये लोग जो है शेड्यूल 9 में जो है ये लोग डाल नहीं रहे। बिहार का जो आरक्षण हम लोगों ने दिया था 75%, तो उस पर भी कुछ नहीं कह रहे। तो ये पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है और आप सबको पता है कि सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था और इसका हम लोग जम कर के विरोध करेंगे, किसी भी कीमत पे ये चलेगा नहीं। तो अभी आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। देखिए, लेटरल एंट्री को लेकर घमासान मचा हुआ है। एनडीए के कई जो घटक दल के लोग हैं वो भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, चिराग पासवान हो या फिर जेडीयू के नेता हो। उतना ही नहीं, पप्पू यादव भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग आरक्षण विरोधी है, ये लोग नहीं चाहते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो आगे बढ़े। देखिए, तेजस्वी यादव अभी अभी किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर जवाब दे रहे थे वो हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि बीजेपी के नेता इस पर क्या बोलते हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी विरोध में खड़े हो गए हैं। देखिए, हालांकि चिराग पासवान कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनके वो हनुमान हैं, पर अब हनुमान भी विरोध करने लगे हैं।
अपने आप को चिराग पासवान हनुमान बताते हैं, पर जब लेटरल एंट्री की बात आई तो चिराग पासवान भी विरोध में खड़े हो गए। अब देखने वाली बात होती है कि अब आगे और भी क्या कुछ होता है, क्योंकि एनडीए के नेता भी विरोध कर रहे हैं और विपक्ष के नेता लगातार इस चीज़ को लेकर के विरोध तो कर ही रहे थे। देखिए, चिराग पासवान का भी आपने पहले बयान सुना, पर अभी अभी तेजस्वी यादव किस तरीके से जवाब दे रहे थे, कह रहे थे कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब लोग आगे बढ़े, ये लोग नहीं चाहते हैं कि सचिवालय में बैठे, ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे। देखिए किस तरीके से एनडीए के नेताओं को तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जवाब दे रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लास्ट के साथ, धन्यवाद।